ऋषभ पंत, ये वो नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का और इंडियन क्रिकेट का जो काफी दिनों से खराब फॉर्म से जूझ रहा था, लेकिन रविवार को पहले वनडे मुकाबले में भारत बनाम वेस्टइंडीज में उन्होंने 69 बॉल्स में 71 रन की पारी खेली और बताया कि उनमें कहां तक की क्षमता है और आखिर क्यों उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी कहा जाता है। और ये किसी से नहीं छुपा है कि चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में लोग धोनी को कितना पूजते हैं। धोनी का ये होम ग्राउंड है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी और उन्हें यहां भगवान का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि जब ऋषभ पंत ने 71 रन्स मारे और जब उनका विकेट गिरा तब स्टेडियम में धोनी धोनी के तो नारे गूंजे ही, साथ में पंत पंत के भी नारे गूंजे। और इसी बीच अब मैं आपको बता दूं कि हालांकि टीम इंडिया को इस मैच में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी जो कि पहला वनडे मुकाबला था, लेकिन पंत ने करियर का पहला वनडे इंटरनेशनल अर्धशतक जड़ा। और आपको बता दें कि इससे पहले वो अपने प्रदर्शन के चलते काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। पंत के खिलाफ पिछले कुछ मैचों के दौरान दर्शकों ने धोनी धोनी के नारे लगाए थे। हालांकि इस बार ऐसा भी हुआ, लेकिन दबाव में बल्लेबाजी को उतरे पंत ने जब अपने ही अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट लगाया तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने पंत 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 के नारे शुरू कर दिए। और जब वो आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे तब भी ऋषभ के लिए वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाई। आपको बता दें कि पंत के सपोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी के फैंस उतर गए और धोनी के फैंस ने पंत का बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।